वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. मृदु कैप्ट अप टू द विंडो. मृदु धीरे से धीरे धीरे विंडो के पास में गई. लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. लाली थोड़ी सी दूरी पर ही बैठी हुई थी. अकवर्डली होल्डिंग हर वॉयलिन एंड बोस्ट्रिंग. उसने अकवर्ड का मतलब होता है क्लम्सी, भद्दे तरीके से अपने वायलिन को पकड़ा हुआ था. एंड बोस्ट्रिंग, उसके जो स्ट्रिंग्स थे उनको भी बड़े अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था. जैसे कोई नो सीखा होता है, जब कोई सीखता है तो सबसे पहले तो जब उसको नहीं आता होता, वो सीख रहा होता तो उसको वॉयलिन पकड़ना भी नहीं आता प्रॉपर तरीके से. इसी तरीके से उसने पकड़ा होता अपने वॉयलिन को, बो स्ट्रिंग को. हर एल्बोज जुटिंग आउट, और उसकी एल्वेज जब उसने पकड़ा हुआ था तो उसकी एल्वेज दोनों कोहनियाँ बाहर की तरफ निकली हुई थी. एंड हर आइज क्लेस्ड विद कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान लगाने के लिए उसने अपनी आँखों ध्यान से वो उस वॉयलिन पर टिकी हुई थी उसकी आँखें. इन फ्रंट ऑफ हर, और उसी के सामने. विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विंडो की तरफ कमर करके बैठे हुए थे, वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. वहाँ पर म्यूजिक मास्टर बैठे होते जिनके जो बॉडी थी पूरी हड्डियों के ढांचे के समान थी. ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, मोस्टली ज़्यादातर उनका गंजा सेट था. विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, और एक बॉर्डर बना हुआ था उनके गंजे सिर के नीचे कानों के पास में एक बॉर्डर बना हुआ था जिसमें बालों का ही बॉर्डर था, जिसमें ब्लैक कलर के बाल थे और उसमें तेल लगा हुआ था. फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो उसके कानों की तरफ आ रहे थे. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और ऐसे लग रहा था जैसे पुराने लोगों का होता था, बाल लोगों का होता था, नीचे की लेयर होती थी, पट्टी सी होती थी बालों की. इसी तरीके से म्यूजिक मास्टर की थीम. एक गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. लेदर के मतलब उनकी चमड़े वाली, चमड़े जैसी जो नेक ब्लैक कलर की लग रही थी, उसके अंदर उनकी गले के अंदर एक गोल्ड की चेन चमक रही थी. एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड्स, और एक डायमंड की जो रिंग थी उनके हाथ में थी. एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, जब वो हाथ उनका वायलिन के ऊपर बजाने के लिए, वायलिन बजाने के लिए ऊपर और नीचे हो रहा था, तो डायमंड रिंग भी उनके हाथ में चमक रही थी. ए लार्ज फुट स्ट्रक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज, और एक बड़ा सा पैर उनकी, वेस्टी का मतलब होता है धोती बिना, गोल्ड जिसमें ऐसी धोती साउथ में जो लोग पहनते हैं, धोती पहनते हैं मेल, और उसमें नीचे की तरफ गोल्ड का बॉर्डर था, गोल्डन कलर का, ऐसी वेस्टी के अंदर, और उसे धोती को कहते हैं वेस्टी. धोती के किनारे में से एक बड़ा सा पैर उनका बाहर आ रहा था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, और जब कोई भी वो, जब वो सुर बजा रहे थे, वॉयलिन के सुर बजा रहे थे, तो जैसे आपने देखा होगा कि म्यूजिक के जो लवर्स होते हैं या म्यूजिक बजाने वाले होते हैं, उनके एक्सप्रेशन थोड़े अलग होते हैं, चाहे वो हाथ के हों. और जो म्यूजिक मास्टर होता है मोस्टली क्या करते हैं, वो रिदम के अकॉर्डिंग अपने पैर को ग्राउंड के ऊपर भी मूव करते रहते हैं, बजाते रहते हैं. इसी तरीके से ही वो म्यूजिक मास्टर भी, ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर ही वो बजा रहा था. विथ द स्क्रॉनी बिग टो, अपने पैर के साथ में भी, उस सुरों के साथ में अपने पैर को भी उस पर हिट कर रहा था, ग्राउंड के ऊपर हिट कर रहा था, बजा रहा था. ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उस म्यूजिक मास्टर ने कुछ नोट्स प्ले किए. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लाली भी उसको पीछा करती रही, वो वैसे ही बजाती रही अपने वायलिन पे जैसे जैसे वो म्यूजिक मास्टर बजा रहे थे. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और वायलिन ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल आशाहीन है, क्योंकि लाली उनको बजा तो रही थी लेकिन बिल्कुल परफेक्टली नहीं बजा रही थी, बजा पा रही थी क्योंकि उस सीख रही थी. और वायलिन भी ऐसा लग रहा था जैसे लाली के हाथ में नाक खुश हो. व्हाट ए डिफरेंस, कितना बड़ा फर्क था दोनों के बीच में, म्यूजिक मास्टर के बीच में एंड लाली के बीच में. द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप, म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे, जो सुर थे उसके ऊपर जो म्यूजिक वायलिन में लग रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे तैर रहे हूँ. फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलेडी, और बिल्कुल मधुर संगीत में के ट्रैक में बिल्कुल सही से फिट हो रहे थे, अच्छे लग रहे थे. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, और वो
सुर ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई भी ट्रेन का पहिया जाकर स्मूथली रेलिंग के अंदर, रेल्स की रेलिंग के अंदर स्मूथली फिट हो गया हो, बड़ी और मधुर वॉयस आई है एंड विजिंग अलोंग, और उसके साथ में चल रहा हूँ विजिंग अलोंग एज रवि सेट। रवि ने कहा कि म्यूज़िक मास्टर की जो नोट्स हैं, यानी जो वो बजा रहे थे, वॉयलिन बजा रहे थे, वो बहुत ही अच्छे सुर में बजा रहे थे और मधुर रूप से बजा रहे थे। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम। मृदु ने काफ़ी देर तक उस बड़े से हाथ की तरफ देखा जो कि बिना किसी ज़्यादा प्रयत्न किए वायलिन के ऊपर इधर से उधर मूव कर रहा था, मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत ही प्यारा म्यूजिक दे रहे थे। यानी कि जो मास्टर के बारे में बात करी, मृदु ने देखा कि मास्टर जी कितने प्यार से और कितना अच्छा सा मधुर संगीत बजा रहे थे वायलिन के ऊपर, तो उनके हाथ ऐसे ही बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए अपने आप ही मूव हो रहे थे। स्वाक देयर वॉज लॉली डी रेलिंग अगेन, स्वाक की बहुत तेज आवाज़ आई। अब दोबारा से लाली अपने वॉलन में दोबारा से उनका सुर उतर गया था। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, गेट पे से आवाज़ आई, एक दुख भरी आवाज़ आई, अम्मा अम्मा ओ अम्मा, अम्मा की आवाज़ आई, ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरामदा, बरामदे के पीछे से उसकी मदर ने कहा, रवि उस बैगर को वापस भेज दो, भिखारी को वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद टापी, बरामदे के पीछे से तापी एक बैठी हुई थी और वहाँ से आवाज आई कि रवि उस बैगर को वापस भेज दीजिए। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते से रोजाना हमारे घर पर आ रहा है। एंड इट इज़ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, अब समय आ गया है कि वो कोई और दूसरा घर ढूंढ ले जहाँ से कि वो भीख ले सके। पार्टी एक्सप्लेन टू टापी, पार्टी ने टापी को स्पष्ट करते हुए कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे चले गए जहाँ पर रवि भिखारी के पास में गया था। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो भिखारी तो पहले से ही गार्डन में आ गया था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था, आराम करने की तैयारी कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपना जो कंधे पे रखने वाला कपड़ा होता है ना अपर क्लॉथ, उसको नीम के पेड़ के नीचे बिछा भी दिया था। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और कमर अपनी लगा कर उसके ट्रंक से, यानी कि नीम के पेड़ से अपनी कमर मिलाकर, उसके स्टेम से मिलाकर लेटने ही वाला था। अपारेंटली प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, एक छोटी सी नींद, स्नूज का मतलब होता है एक छोटी सी नैप, छोटी सी नींद लेने ही वाला था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जब तक कि उसके लिए कोई भिक्षा लेकर आते, कुछ देने का सामान, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, कोई भीख लेकर आते, तब तक वो है ना वहाँ पर एक छोटी सी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। गो अवे सेड स्टर्नली, सेड रवि स्टर्नली, रवि ने सख्ती से कहा, यहाँ चले जाओ यहाँ से, माई पार्टी से दिस टाइम फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, मेरी पार्टी ने कहा है, मेरी मम्मी ने कहा है कि अब समय आ गया कि तुम दूसरा घर ढूंढ लो जहाँ से तुम भीख ले सको। द बैगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड, बैगर ने अपनी आँखों को बिल्कुल चौड़ा कर लिया, खोला और बड़ा कर लिया। एंड गेस्ट एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और धीरे से एक एक बच्चे को घूर कर देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, और कहा इस घर की जो महिलाएं हैं, ही सेट एट लास्ट इन ए वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, उसकी आवाज़ के अंदर उसकी जो भावनाएं थी पूरी तरह से भर गई थी। उसने कहा इस घर की जो लेडीज हैं आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सॉल टुगेदर ऑन देयर जेनरेसिटी फॉर ए होल वीक, पूरे हफ्ते तक मैंने अपने इस शरीर को और आत्मा को उनकी उदारता के ऊपर, उनकी जो सिंपति है उसके ऊपर जीवित रखा है, यानी कि उन्होंने अब मेरी जो हेल्प की है उसकी वजह से ही मैं पिछला हफ्ते मैंने सर्वाइव किया है। ही रेस्ट हिज आइज वॉइस, अब उसने अपनी आवाज़ ऊँची कर ली, अम्मा अम्मा ओ अम्मा अम्मा, सैड हिज वेल माइट बी, उसकी जो दुख भरी आवाज़ थी वो भी उसमें भी उदासी नज़र आ रही थी। बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन ये जो आवाज़ थी उदास तो थी, उस आवाज़ में उदासी तो थी लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी आवाज़। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, ये जो आवाज़ थी ये उसकी सूखे हुए पेट में से
श्रिंक हो जाता है ना, जब पेट, जब कोई पुअर होते हैं या कोई गरीब होता है तो वो ज़्यादा खाना तो खाते ही नहीं है, पूरा खाना तो मिल नहीं पाता है उनको, तो उनके पेट की स्किन भी श्रिंक सी हो जाती है। ऐसे ही वेदर्ड का मतलब होता है ड्राइड, इस तरीके से भी उसका सूखे हुए पेट में से, उसकी जो वो पेट की गहराइयों में से वो स्ट्रोंग सी आवाज़ आ रही थी, एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से भी बाहर आ रही थी वो आवाज़, जब वो अमाओ 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 इस तरीके से दुख भरी आवाज़ निकाल रहा था, विद इट्स अ फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेंट ब्राउन विद बीटल च्यूइंग, और कुछ दांत उसके जो थे अंदर सुपारी खाने की वजह से ब्राउन हो गए थे, उन दांतों के अंदर से भी वो आवाज़ निकल कर आई, सूखे हुए पेट से निकल कर वो आवाज़ गूंजती हुई मुंह से होती हुई और दांतों के बीच में से बाहर आ रही थी, जब वो कह रहा था अम्माओ अम्माओ। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि उन्हें बता दो कि हमारी किचन में, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्मिणी, रुक्मिणी ने कहा एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, अब वो दोबारा ना आए, टेल हिम दैट, ये भी बता देना। शी साउंडेड फेड अप, ऐसा लग रहा था कि अब वो बोर हो गई हूँ ये कहते हुए। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये सारी बातें बैगर को रिपीट नहीं करनी पड़ी, भिखारी को बतानी नहीं पड़ी। वाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर, जो उसकी मदर ने कहा था वो सब कुछ उसको क्लियरली सुनाई दे रहा था नीम के पेड़ के नीचे। द बैगर सेट अप एंड साइड, बैगर भी बैठा हो गया और उसने एक लंबी सी गहरी सांस ली। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, ही सेड वियरली, उसने कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे मुझे कुछ देर के लिए आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, क्योंकि सूरज बहुत गर्म हो रहा है, एंड द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और रोड के ऊपर जो तार को लगा हुआ है वो भी पूरी तरह से पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी, और मेरे जो पैर हैं पहले से ही ब्लिस्टर्ड, उस पर पहले से ही छाले, ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है, ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले, और ब्लिस्टर्ड वन छाले आ गए मेरे पैरों पर पहले से ही, और इस टाइम धूप का टाइम है और सड़कें भी बहुत ज़्यादा तपी हुई होंगी। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसने अपने नंगे, बेयर का मतलब होता है नंगे, उसने अपने नंगर पैरों पर को जिसके ऊपर छाले आ गए थे, पीलिंग ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स का मतलब छाले, पिंक कलर के छाले बड़े और गुलाबी रंग की जो छाले उसकी इन नंगे पैरों की खाल पर आ गए थे, सोल्स पर आ गए थे, यानी कि हील्स पर, तलवों पर आ गए थे वो, उसने अपने ऐसे पैरों को उसने बच्चों को दिखाया। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु व्हिस्पर्ड टू मीना रवि, मृदु ने धीरे से मीना और रवि से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास में, इस बैगर के पास में पैसे नहीं हैं कि वो चप्पल खरीद सकें। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या घर में कोई और ऐसा पेयर है, पुरानी चप्पल है घर में? आई डोंट नो सेट रवि, रवि ने कहा मुझे नहीं मालूम। वाई नॉट, टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी तो इतनी छोटी है कि उसके पैरों में आ ही नहीं सकती, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैंने उन्हें उसे दे दिया होता। एंड हिज फीट लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और उस बैगर के जो पैर थे वो तो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, बैगर अपना ऊपर कपड़ा कंधे पे रखने वाला कपड़े को शेक कर रहा था, हिला रहा था, एंड टाइटिंग हिज धोती, और अपनी धोती को भी टाइट कर रहा था। ही रेस्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखें ऊपर की, एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और बड़ा डर के उस सड़क की तरफ देखा, ग्लीमिंग इन आफ्टरनून हीट, जो पूरी तरह से वो रोड दोपहर की गर्मी में चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा उसे उसके पैरों में कुछ होना चाहिए, उसकी उसको ज़रूरत है। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, मीना की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हूँ कि ये बात सही नहीं है। सेट रवि, रवि ने कहा चुप हो जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इस तरीके से बार बार कहना कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इससे कोई मदद नहीं होगी। इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, दो मिनट के अंदर उसके वो जो पैर हैं उसके ऊपर रोड के ऊपर जाते ही फिर से जल जाएंगे। वट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है बस। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम उसे कहाँ से प्राप्त करें, कहाँ से लें? कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो आओ
घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु और मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को भी कहा, धकेला कि वो भी घर के अंदर से चप्पल ढूंढे। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे ही वो वरांडा की तरफ गई, मृदुस आइज फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें एक अलग सी दिखने वाली चप्पल की तरफ गई। शी हैड नोटिस, जिसे उसने जब वो घर में एंटर किया था तभी उसने देखा था, उन चप्पल की तरफ गई गई उसकी निगाहें। और उसने कहा, रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, और उसने रवि की तरफ धीरे से कहा, रवि, हूज आर दोस, ये चप्पल किसकी है? रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द शैबी लुकिंग स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, रवि ने भी उन शैबी का मतलब क्लम्सी, देखने में भद्दी सी लगने वाली उन चप्पल की तरफ देखा, बस स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन पूरी पतली और उन पुरानी चप्पल्स। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो खुश हो गया और उसने हाँ कहा, हाँ, दीज आर जस्ट द राइट साइज, इनका जो साइज़ है ये बिल्कुल सही है, ही सेड, उसने कहा, पिकिंग दैम आप, और उन्हें उठाते उसने कहा, इनका जो साइज़ है ये यानी कि बैगर को पूरा आ जाएगा। मृदु और मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे चले गई, थोड़ी सी परेशान होते हुए गार्डन में उसके पीछे चले गई जब वो चप्पल लेकर जा रहा था। हियर, सेड रवि टू द बैगर, रवि ने बैगर से कहा, ये लो, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने उसने चप्पल डालते हुए कहा, ये लो, वियर दिस एंड डोंट कम बैक, पहन लो इन्हें और दोबारा मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बैगर ने उन स्लीपर्स की तरफ देखा, हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, और जल्दी से उसने अपने टॉवल को अपने शोल्डर पर डाला, पुश्ड हिज फीट इन टू दैम एंड लेफ्ट, और जल्दी से अपने पैरों को उन स्लीपर्स में डाला और वहाँ से चला गया, मटरिंग ए ब्लैसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग का मतलब विस्परिंग करते हुए, विस्परिंग का मतलब धीरे धीरे बोलते हुए, ब्लैसिंग देते हुए उन बच्चों को, वो वहाँ से जल्दी से चप्पल पहन के चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक ही मिनट के अंदर वो इस गली के कोने से भी गायब हो गया था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आया एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, उस म्यूजिक मास्टर ने तीनों को देखा कि वो बिल्कुल चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, प्लेइंग मार्बल्स और कंचे खेल रहे हैं। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा, तब उसने वरांडे के अंदर अपनी चप्पल ढूंढी, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर उसने रखी थी। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद में उसने आवाज़ लगाई, लाली, शी हरिड अप टू हिम, वो जल्दी से भाग कर म्यूजिक मास्टर के पास में आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है, माई डियर, मेरी प्यारी, मुझे बताओ क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी है। आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट देम हेयर, मुझे याद है मैंने यहीं पर ही रखी थी। रवि मृदु और मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली, रवि मृदु और मीना ने चुपचाप लाली की तरफ देखा। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, और म्यूजिक मास्टर ने भी वरांडे के हर एक कोने को में ढूंढ लिया। ही स्कर्रीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, वो भी इधर उधर घूम घूम के देखता रहा रेलिंग के ऊपर और फ्लावर पॉट्स को उठाकर, क्राउचिंग नियर द बेड के फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, उनके बीच में भी झांक कर उसने देखा और कहा, ब्रांड न्यू, बिल्कुल न्यू थी, देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड पर गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वो कहता रहा, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, और वो जो चप्पल है वो पूरे एक महीने में जितनी फीस होती है तुम्हारी उतने में आती हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है, इतनी महंगी है और ब्रांड बिल्कुल देखने में बिल्कुल नई है और उसमें उसे खरीदने में एक महीने की पूरी फीस लग जाती है। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, बहुत जल्दी लाली अपनी मदर को बताने के लिए, ये बात बताने के लिए गई। रुकुमनी अपीयर, तब वहाँ पर रुकुमनी आई, लुकिंग हैरेस्ट, वो भी परेशान दिख रही थी, विद पार्टी फॉलोइंग हर, और रुकुमनी के साथ में उसकी पार्टी भी आई, उसके पीछे पीछे आई। वेयर कुड दे बी, कहाँ हो सकती हैं वो, इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये बड़ा अजीब सी बात लगती है कि कोई उन चप्पल को चुरा सकता है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर,
बहुत सारे वेंडर्स आते रहते हैं दरवाजे पर। वरिड पार्टी पार्टी ने कहा कि क्या हो सकता है, कहाँ जा सकते हैं वो चप्पल। बड़ी अजीब सी बात है कि कोई इतने सारे जो वेंडर्स आते हैं क्या वो चुरा सकते हैं। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि मृदु एंड मीना। रुकुमनी ने रवि मृदु और मीना की तरफ देखा। सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हैं। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम्हें मालूम है बच्चों, शी बिगेन, उसने ये कहा। एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और फिर ये देखते हुए कि ये बिल्कुल शांत हैं, वेंट ऑन मोर स्लोली, तो उसे थोड़ा सा संदेह हुआ और उसने पास में जाके कहा, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, देखी है किसी ने यहाँ पर वरांडे के अंदर चप्पल। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, जब वो ये बात पूछ रही थी तो एक वी शेप की लाइन भी उसके आईब्रोज के बीच में बन गई थी क्वेश्चन पूछने के लिए। अनदर स्टेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, उसके बाद में बिल्कुल स्ट्रेट सी सीधी और टाइट आवाज़ सख्ती के साथ में, उस आवाज़ वो जो आवाज़ थी हमेशा जो उनकी आवाज़ होती थी वो तो हमेशा सॉफ्ट आवाज़ होती थी और प्लीजेंट होती थी, मधुर आवाज़ होती थी। अब उस आवाज़ के बदले पर एक बिल्कुल टाइट सी सख्ती भरी आवाज़ आई। रुकुमनी वास एंग्री, रुकुमनी गुस्सा थी। थॉट मृदु विद आ शिवर, मृदु ने सोचा, मृदु कांप गई। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। मृदु ने अपने आप से ही कहा कि वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती, अगर उसे ज़रा सा भी मालूम होता कि वो बेचारा बैगर जो है उसके पैरों पर छाले हैं, तो इस तरीके से मृदु अपने आप को बता रही थी, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो उसके गुस्से से मनी के गुस्से से डर गई थी। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, तब उसने बहुत गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, वो चिल्लाई, रुकुमनी देयर वाज ए बेगर हियर, यहाँ पर एक भिखारी था, पुअर थिंग बेचारा, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट, और उसके पैरों पर बहुत बड़े बड़े छाले थे। सो सेड रुकुमनी ग्रीमली, गुस्से से रुकुमनी ने कहा, फिर टर्निंग टू रवि, फिर रवि की तरफ मुड़ते हुए कहा, फिर यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, तो इसका मतलब तुमने उस म्यूजिक मास्टर की चप्पल को उस भिखारी को दे दिया जो यहाँ पर आया था। चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोंड पार्टी, गुर्राते गुस्से में पार्टी ने कहा, आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग हिज हैड, उसने कहा, रवि ने कहा, इवन हिज गोल्ड इयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, अम्मा क्या तुमने हमें वो उस कर्ण की कहानी के बारे में नहीं सुनाया, कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, अपने गोल्ड की इयर रिंग्स भी दे दी थी, वो इतना ज़्यादा काइंड था, इतना दयालु था और दाता था, जेनरस था, उदार था और सबके लिए सिंपति रखता था, क्या तुमने हमें उसके करण के बारे में नहीं बताया था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा, बेवकूफ, कर्णा डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, करण ने कभी भी किसी दूसरे लोगों की चीज़ नहीं दी थी, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी चीज़ दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेस्टली ऑन, रवि ने कहा, लेकिन मेरी चप्पल तो उस बैगर को नहीं आती ना। एंड अम्मा एंड इफ दे डिड फिट, अगर वो आती वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तब भी तुम गुस्सा नहीं हुई होती, अगर मैं अपनी चप्पल भी दे देता तो उनकी चप्पल की जगह, तब भी आप गुस्सा नहीं हुई होती। रवि सेड रुकुमनी, कुमनी ने कहा, रवि वेरी एंग्री नाउ, बहुत गुस्सा होते हुए कहा, गो इनसाइड दिस मिनट, इस समय तुम अंदर चले जाओ। शी हरिड इनडोर्स, वो जल्दी से घर में गई एंड ब्रॉट आउट गोपू मामा हार्डली वोन न्यू चप्पल्स, और जल्दी से गोपू मामा की जो कभी भी नहीं पहनी गई थी, मुश्किल से पहनी गई थी, ऐसी न्यू चप्पल लेकर आई। दिस शुड फिट यू, ये तुम्हें फिट हो जाएंगी सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन, और इन चप्पल को आप पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है, माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, मेरा जो बेटा है वो बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक गई। ही पुट देम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, पहन तो लिया और खुश भी था, आंखें तो उसकी चमक रही थी खुशी से, लेकिन इस तरीके से वो बहाना सा कर रहा था कि जैसे वो खुश नहीं हो, और कहा, वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू,
अच्छा, मुझे लगता है कि ये चल जाएंगे। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वट टू डू। आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई भी सम्मान है ही नहीं। वट टू डू, क्या किया जा सकता है। ए हनुमान इनकारनेट, हनुमान जी के बच्चे हैं ये, हनुमान जी की तरह से। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, केवल राम भगवान ही ऐसे शरारती बच्चों को बचा सकते हैं। रुकुमणी'स आइज फ्लैश्ड, रुकुमणी की आइज में गुस्सा आ गया। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रवि को कोई मंकी कहे। इवन ए होली मंकी, चाहे वो पवित्र पूजा वाले भगवान के रूप में ही हों, वो बिल्कुल भी रवि को मंकी कहलवाना नहीं चाहती थी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई स्ट्रेट फ्रंट के दरवाजे पे। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, ये बात साफ दिख रही थी कि अब वो चाहती थी कि जल्दी से म्यूजिक मास्टर वहाँ से चले जाए। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, जब उन्होंने नई चप्पल पहन ली, पूरी तरह से उस पर फिट हो गए, शी सेड, उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आ जाओ और टिफिन खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, ईमानदारी से तुम बच्चे ये कैसे सोच लेते हो सारी बातें। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्रिया है कि तुम्हारे गोपू मामा जो है ना, वो काम के ऊपर अपनी चप्पल नहीं पहन के जाते, यानी शूज़ पहन कर जाते हैं। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन, जब वो किचन की तरफ जा रही थी विद द मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ में, शी सडनली बिगिन टू लाफ, तब वो अचानक हंसना शुरू हो गई। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स, लेकिन तुम्हारे गोपू मामा जैसे ही घर पर आते हैं, उन्हें इतनी जल्दी रहती है कि वो जल्दी से अपने शूज़ को फेंक देते हैं और सॉक्स को फेंक देते हैं ताकि वो चप्पल में पहन सकें। एज सुन एज ही कम्स होम, जैसे ही घर पहुँचें अपने चप्पल्स में कंफर्टेबल हो सकें। वट इज़ योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, अब आज की शाम को तुम्हारे मामा क्या कहने वाले हैं। वैन आई टेल हिम आई गेव दिस चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर, जब मैं उन्हें ये बताऊँगी कि आप लोगों ने ये म्यूज़िक मास्टर को उनकी चप्पल दे दी, तब मैं क्या बताऊँगी। ये सोचकर रुक्मणी को हंसी आ रही होती है और वो बच्चों से इस तरीके का मजाक करती हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी।